नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जलोकावचारणी अध्याय, जो कि सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का 13वां अध्याय है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा पिक्चर में, जलोका ऐसी होती है। और आज हम जलोका के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन सी जलोका श्रेष्ठ रहती है और इसकी अयोग्य या फिर योग्य कौन कौन है, तो वो भी देखेंगे। और अनुशस्त्र में जलोका श्रेष्ठ कही गई है, तो वो इम्पोर्टेंट था ही, मैंने आपको पहले भी बताया है। और फिर इसमें जलोका के योग्य बताए गए हैं, तो जलोका के योग्य कौन कौन रहेंगे, नृप नृप आढ्य बाल स्थविर भीरु दुर्बल नारी सुकुमारा नाम अनुग्रहणार्थम परम सुकुमारो अयम। यानी जो सुकुमार प्रकृति वाले होते हैं, यानी जो जैसे राजा हो गया, कोमल जो होते हैं, राजा धनवान बालक वृद्ध डरपोक दुर्बल स्त्री कोमल देह वाले मनुष्यों में, तो रक्त विश्रावण के लिए जलोका उच्चरण विधि का प्रयोग किया जाता है। और मेनली ये परम सुकुमार विधि है जलोका उच्चरण, और ये इम्पोर्टेंट है, परम सुकुमार विधि जलोका उच्चरण है। और सुकुमार विधि कौन सी है, श्रृंग और अलाबू, ये साधारण सुकुमार विधियां हैं जलो रक्त विश्रावण के लिए। और फिर बात की जाए रक्त मोक्षण की विधियां बताई हैं, तो वातिक दुष्ट रक्त में श्रृंग द्वारा रक्त मोक्षण किया जाता है। श्रृंग जो है गो श्रृंग लेते हैं, गो जो है काऊ के सींग लेंगे, और ये काऊ के जो श्रृंग होते हैं सींग होते हैं, तो वो दोनों साइड ओपन रहते हैं, एक साइड इंसीजन देके जो है इंसीजन देना चाहिए बॉडी पे, जहां पे भी हमने को रक्त मोक्षण करवाना है इंसीजन दिया, और फिर जो भी मुख वाला भाग है वो वहां पे रखा, और फिर उससे जो सकिंग कर लिया वहां से, जो है दूसरा मुख जो भाग है, दो मुख होते हैं इसके श्रृंग में। और फिर बात की जाए पितज दुष्ट रक्त में, तो ये जलोका अवचरण विधि से किया जाता है पितज दुष्ट रक्त में। और फिर बात की जाए कफज दुष्ट रक्त की, तो ये अलाबू द्वारा किया जाता है, मेनली मॉडर्न में कोरिलेट किया जाए तो ये कपिंग थेरेपी से कोरिलेट किया जा सकता है अलाबू को। और अलाबू मीन्स लौकी, एक्चुअली पुराने समय में जो लौकी है उसका यूज किया जाता था, जो शुष्क जो है लौकी, लौकी एक साइड से ओपन रहती है और एक साइड से क्लोज रहती है। और बात फिर इसको यूज कैसे किया जाता था, तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता था बाय दीपक जलाया जाता था इसमें, और फिर इससे जो धुआं निकलता था वहां से वैक्यूम क्रिएट हो जाता था, और जो कपिंग थेरेपी है आज उसका ही एक पार्ट है। और फिर बात की जाए रक्त मोक्षण की, रक्त मोक्षण इसमें गुण क्या क्या है गोश्रृंग के, तो गोश्रृंग उष्ण सह मधुरम स्निग्धम, उष्ण और मधुर स्निग्ध होने से ये वात का शमन करती है, जब भी ये बात रक्त दुष्टि में प्रयोग की जाती है, उष्णम सह मधुरम स्निग्धम। फिर जोंक की बात की जाए तो शीत अधिवासा, शीत स्थान पे रहने वाली और मधुर होती है, और वारी संभव है जल में रहने वाली होती है, तो ये जोंक क्या करती है पित्त को शमन करती है, शीतल अधिवासा मधुरा। और फिर बात की जाए तुम्बी की, तुम्बी यानी लौकी, और इसके गुण क्या रहेंगे, कटुकम रुक्षम तीक्ष्णश्च, तो ये इसी वजह से कफ का शमन करेगी, श्लेष्मा का शमन करेगी, तो ये आपको याद रह जाएगा कटुकम रुक्षम तीक्ष्णम, कफ को शमन करने के लिए गुण है ही। और फिर बात की जाए जलोका के टाइप्स की, तो ये 12 टाइप्स की होती है, नहीं वैसे तो 2 टाइप्स की होती है पर 12 प्रकार की होती है, 6-6 छह जलोका होती है, निर्विष्ट 6 जलोका अलग से होती है। और सैविष्ट जलोका की बात की जाए तो ये 6 टाइप की होती है, कृष्णा कर्बुरा अलगर्दा इंद्रायुथा सामुद्रिका गोचंदन चैती। तो सैविश जलोका की शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो चंदन ने समुद्र में इंद्र से काला कबूतर अलग किया, तो ये कृष्णा मीन्स काला और कर्बुरा मीन्स कबूतर, अलग अलगर्दा अलग किया, इंद्रायुथा इंद्र से, और सामुद्रिका समुद्र, और गोचंदना चंदन। तो ये आपको ऐसे याद रह जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है। और फिर इसके पर्टिकुलर लक्षण बताए गए हैं हर एक जलोका के, सैविश जलोका के, तो अंजन चूर्ण वर्णा पृथु शिरा कृष्णा, यानी इसका जो सिर है वो फ्लैट रहता है, पृथु शिर वाला रहता है, फ्लैट रहता है। और फिर बात की जाए कर्बुरा की, तो ये छिन्न उन्नत कुक्षी, यानी जो इसके कुक्षी रहेगी वो छिन्न उन्नत रहेगी, यानी रफ रहेगी, छिन्न भिन्न रहेगी। और वर्मी मत्स्य वदायता, यानी मत्स्य वद रहेगी इसकी जो स्किन रहेगी, यानी जो जैसे मत्स्य की स्किन पे स्केल्स रहते हैं वैसे इस पे रहेंगे। और फिर बात की जाए छिन्न उन्नत कुक्षी रहेगी, छिन्न भी रहेगी और उन्नत भी रहेगी, तो उन्नत मीन्स उभार युक्त, और कर्बुरा हो गया। फिर इसमें अलगर्दा की बात की जाए तो कृष्णमुखी अलगर्दा रोम महापाशर्वा, तो इसके पाशर्व में रोम रहेंगे, और अलगर्दा का जो मुख रहेगा वो कृष्णमुखी रहेगा, काला रहेगा।
और फिर बात की जाए इंद्रायुथा की, तो इंद्र उधर्वराजीभिश्च चित्रत, यानी जो राजी यानी राजी युक्त होगी ये, इस पे धारियां बनी होंगी इंद्रायुथा पे, और उधर्वराजी रहेंगी। और फिर सामुद्रिका की बात की जाए तो ये इसमें विचित्र पुष्पाकृति चित्रा समुद्रिका, तो विचित्र पुष्पाकृति रहेंगी जैसे ग्रीन फ्लावर जैसे बना दिए, और ये सामुद्रिका रहेगी। और ईषत शीत पीतिका, और गोचंदनवत गोवृषणवत इसकी जो है अधोभाग रहेगा गोवृषणवत, और ये इसी वजह से गोचंदन समान रहती है। और कर्तृण मुखी गोचंदन इति द्विधा भूता, और ये आकृति छोटे मुख वाली रहेगी, कर्तृण मुखी तृण मुख वाली, तो तृण मुख तृण के समान जो जिसका मुख रहेगा वो गोचंदन रहेगी। और फिर इस दंश, अगर इनका दंश हो जाता है तो क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, दंशे शवथुर अति मात्रम कंडूर मूर्छा ज्वरो दाह सर्दी मदह सदनम इति, यानी कंडू रहेगी शवथुर रहेगा मूर्छा ज्वर दाह, इनके लक्षण से क्वेश्चन उठ जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रहने चाहिए। और महागध, फिर इनके दंश हो जाने के बाद महागध सेवन बताया है, पान लेपन नस्य और कर्मादिश्च पूज पयोज्य, महागध का पान लेपन नस्य और कर्म आदि उपयोज्य, और जो भी कर्म है इन महागध का यूज बताया है। और फिर इंद्रायुथा अष्टम साध्यम, जो इंद्रायुथा है वो भौतिक कष्टप्रद रहती है और असाध्य रहती है, इससे अगर दंश हो जाता है तो दष्ट हो जाता है, तो वो असाध्य कहलाएगा। और बाकी सभी जलोकाएं जो है उनकी चिकित्सा करने का व्याख्यान दिया गया है, इंद्रायुथा है वो असाध्य रहेगी। और फिर ये इंपॉर्टेंट थे ही। और फिर बात कीजिए निर्विष जलोका के टाइप्स और लक्षण की, तो निर्विष जलोका जो है वो कपिला पिंगला शंकुमुखी मूषिका पुंडरीक मुखी सावरिका चैती, तो इनके कैसे याद रखेंगे, कपिला कैसे कैसे कपिला, पी से पिंगला, शंकुमुखी से संग, और मूषिका मूषक, और पुंडरीक मुखी पर से पुंडरीक मुखी, और सवारी सावरिका चैती, ये निर्विष जलोका है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। और फिर बात की जाए इनके लक्षण की, तो मनः शिला रंजिताभ्यामिव पाशर्वभ्याम पृष्ठे स्निग्धम मूदक वर्ण कपिला, मूदक वर्ण की कपिला रहेगी, और जिसपे इनमें मनःशील के तमान पीले रंग, मतलब मनःशील के समान इस पे पीला रंग पीले रंग की होगी, पाशर्व वाली पीले रंगे रंगे हुए पाशर्व, पीला रंग होगा इसके पाशर्व का, और चिकनाई और मूंग के समान इसका रंग होएगा, चिकनाई युक्त होगी पीठ पर चिकनाई, पृष्ठे स्निग्धे, और शीला मनः शिला रंजित भ्याम पाशर्वा भ्याम, यानी जो मनः शिला जो है उसके समान इसका जो पाशर्व रहेगा। और फिर पिंगला की बात की जाए तो पिंगला आशुगा च वृत्त काया, सर्कुलर रहेगी इसकी काय, और पिंगल वर्ण की रहेगी गोल रहेगी। और फिर बात की जाए शंकुमुखी की, तो यकृद वर्णा शीघ्र पायिनी दीर्घम अति दीर्घ तीक्ष्ण मुखी शंकुमुखी, तो दीर्घ रहेगी तीक्ष्ण रहेगी शंकुमुखी, और यकृद वर्ण रहेगी यकृद वर्ण के समान। और फिर बात की जाए मूषिका, मूषिका आकृति वर्णा अनिष्ट गंधा चय मूषिका, यानी मूषिका के समान जो है मूषक के समान इसकी आकृति रहेगी, और इसका अनिष्ट गंध निकलेगी, जैसे मूषक होता है उससे अनिष्ट गंध निकलती है दुर्गंध निकलती है, वैसे ही हम याद रख सकते हैं मूषिका को, मूषिका जलोका को। फिर मुदक वर्णा पुंडरीक तुल्या वक्त्र पुंडरीक मुखी, जो पुंडरीक तुल्य जिसका वक्त्र होगा मुख होएगा, यानी कमल के पत्ते के समान उसका मुख होएगा वो, और मूदक वर्णी होगी वो पुंडरीक मुखी कहलाएगी। और पद्म पत्र वर्णा अष्टादश अंगुल्य प्रमाणा सावरिका, अष्टादश अंगुल प्रमाण की और पद्म पत्र यानी कमल के समान उसका वर्ण होएगा, और अष्टादश अंगुल प्रमाण की सावरिका रहेगी। तो ये आपको लक्षण थोड़े से ध्यान रहने चाहिए, याद भी रखने चाहिए आपको। फिर जलोका प्राप्ति स्थल और जलोका उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो यवन पांडे सह पोतन आदिनी क्षेत्राणी, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं। और महाशरीरा बलवत्या शीघ्र पायिनी महाशना, तो इन क्षेत्रों पे महाशरीर वाली बलवत और शीघ्र पायिनी शीघ्र रक्त को पीने वाली और महाशना अधिक खाने वाली निर्विष्ट जलोका मिलती है यहाँ पे। तो ये मद्रास प्रांत और तुर्किश देश और पोतन आदि जो है, जो नर्मदा पर्वतीय जो देश है वहां पे पोतन का
कहा गया है, वही मथुरा, कोतन से मथुरा लिया गया है, और सहये से नर्मदा, नर्मदा आदि जो पर्वतीय स्थल हैं वो लिया गया है। तो यवन, पांडे, सह, पोतन आदि, तो इन ये जो क्षेत्र हैं वो इम्पोर्टेंट है। और फिर बात की जाए, ये सुगंधित स्थल पे जो है निर्विष जलोका मिलती है, और जो दुर्गंधित स्थल है वहां पे जो है सैविष जलोका मिलती है। और फिर बात की जाए जलोका ग्रहण और संग्रह और अप्रशस्त जलोका की बात की जाए, तो जलोका ग्रहण कौन सी करेंगे, तो इसमें तासाम ग्रहणम आद्र चर्मणा, आद्र चरम से, आद्र चरम यानी गीले चरम से पकड़ना चाहिए जलोका को, उससे ग्रहण करना चाहिए। और फिर इसको संग्रह कैसे किया जाए, नवे महती, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है AIA PGT लेवल के, नवे नवे महती गटे, नवे जो नवा घड़ा है, न्यू घड़ा है, उसमें आपको जलोका रखनी चाहिए। और तड़ाक उदक यानी जो तड़ाग है, सरस तड़ाग, इनका जल लेना चाहिए। पंख वाप्य निदध्यात, और पंख युक्त तो होना चाहिए। और भक्ष्य, भक्ष्य के लिए, खाने के लिए चासम उपहरे छैवालम वेलूरम उदकम उदकाश्च कंदा कंदाश्च चूर्ण चूर्णीकृत्य, यानी वेलूर जो शुष्क मांस होता है और छैवाल शैवार का जो मांस होता है वो यूज करेंगे, और कशेरुक सिंगाड़े वगैरह वो जो है वो यूज कर सकते हैं। और शैया के लिए तृणम उदकानी च पत्राणी, जो तृण रहते हैं उनके जो है शैया के लिए, उनके सोने के लिए जो है घास, जो तृण होते हैं उनका यूज करेंगे शैया के लिए। और फिर द्वै त्रय हाच भयो अन्य जलम भक्षश्च दद्यात्, यानी दो तीन तीन दिन में जो है घड़े का जो जल है वो हमें बदलना है, और तीन तीन दिन में हमें उसको जो है भक्ष्य पदार्थ सेवन के लिए देने चाहिए। और फिर 7-7 दिन के बाद घड़े को जो है वो 7 दिन बाद उस घड़े को बदल देना चाहिए, नया घड़ा लेकर उसमें जलोका को रखना चाहिए। और फिर जो है अप्रशस्त जलोका के गुण बताए गए हैं, जो स्थूल होती है मध्य में, और परिक्लिष्टा जो बहुत चिपटी सी होती है, पतली सी, और पृथ्वो मंद विचिष्टता, मंद विचिष्टता मंद चेष्टाएं करने वाली, और अग्रह हिण्यो अल्प पाइन्यो अल्प पीने वाली, और सै विषास्त है न पूजितो, जो विष युक्त जलोका है उसका पूजन नहीं करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। तो ये आपको जो है ये याद रखना है, कितने कितने दिन में उसका पानी बदलना चाहिए, कितने कितने दिन में उसको भक्ष्य पदार्थ देने चाहिए, और कितने कितने दिन में उसका घड़ा बदलना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह AIA PGT लेवल के लिए। और फिर बात की जाए जलोकावचरण विधि की, तो जलोकावचरण में इसमें अगर जलोकावचरण मेनली इसमें एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, अग्रहणत्यो शीर बिंदु शोणित बिंदु व दज्जाच शस्त्र पदानी व कुर्वित है। अगर वो जो है जलोका जो है वो रक्त का सेवन नहीं कर रही है, वहां से जो चिपट नहीं रही है, तो उसमें क्या करेंगे, शीर बिंदु या तो दूध का बिंदु डालेंगे, दूध का छिड़काव करेंगे, या फिर शोणित बिंदु डाल देंगे उस स्थान पे, जिससे कि वो, और या फिर शस्त्र द्वारा वहां पे परछान लगा देंगे, इंसिजन दे देंगे, तो वहां पे जो जलोका है वो अटैच हो जाएगी। और फिर बात की जाए जब जोंक का स्थान स्थान पर चपट जाए तो वो कैसी आकृति बना लेगी, निविशिते अश्व खुर वदनाननम कृतवो उनमें चै स्कंदम, जैसा कि ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो अश्वखुर के समान, ये जो है अश्वखुर के समान ये अपनी आकृति बना लेगी, और उन्नत स्कंदम यानी जो स्कंद हैं, कंधे हैं, उसको ऊपर की ओर उठा लेती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कंधे जो है वो ऊपर की ओर उठा लेती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और घोड़े के खुर के समान अश्व खुर वदाननम कृतवो अन्मय चै स्कंधम। और फिर बात की जाए दंश दंशेत, अगर दंश जो दंश दंश स्थान पर सुई चुभने से पीड़ा हो जाए और खुजली होने लगे, तो जान लेना चाहिए कि वो शुद्ध रक्त को पान कर रही है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, दंशे तोद कंडु प्रादुर्भाव है वर्जयानी या शुद्धम शुद्धम यह आदत इति, यानी शुद्ध रक्त का सेवन करने लग रही है वो, अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं। शोणित गंधेन न मुंचेन मुखस्य सैंधव चूर्णे अवकृत है, और सैंधव चूर्ण का जो है वहां पे छिड़काव करना चाहिए, और रक्त की गंध से वह उस स्थान को छोड़ नहीं पाती लोलुपता की वजह से, तो
वहां पे सैंदव चूर्ण का छिड़काव करने से वो वहां का स्थान छोड़ देती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका छिड़काव किया जाता है, सैंदव चूर्ण का। और फिर बात की जाए पश्चात क्रम जलोका वर्ण उपचार की, तो पश्चात क्रम में क्या करेंगे, तो जलोका को वहां से हटा लिया हमने, और पतिताम तंडुलम कंडनम कंडनम प्रदिग्ध गात्रिम तैल वर्ण तैल लवण भक्तियत मुखीम। तो पतिताम तंडुलम जो है, अगर अशुद्ध रक्त को पीकर जमीन पर गिर जाती है तो शरीर पर चावलों की किनकी जो होती है, चावलों को जो पाउडर होता है, और मुख मुख पर सैंधव लवण मसलकर, और वाम हस्त तैल और लवण यानी सैंधव लवण की बात की जा रही है, तैल और सैंधव लवण उस पर मसल दी जाए, मसल दें, और फिर दक्षिण हस्त से अंगूठे से उसको वमन कराया जाता है। और फिर अगर सिद्धियति न चेष्टते सा दुर्वांता, अगर वहां वमन कराने के बाद वो ठीक तरह से अपनी चेष्टाएं नहीं कर रही तो वो दुर्वंता कहलाएगी। दुर्वंता व्याधिर साध्य इंद्र मदो रक्त मदो नाम भवती। जो दुर्वंता जोक है यानी वमन करवा दिया उसको और वो चेष्टाएं नहीं कर रही, वमन कराने के बाद उसको वमन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया और वो चेष्टाएं नहीं करती, तो उस पे दुर्वंता नाम की उसको व्याधि हो जाती है, और इंद्रमद नाम की असाध्य व्याधि कहलाती है उसको। दुर्वंता जोक, उस जोक को दुर्वंता बोलेंगे, और उस व्याधि को क्या बोलेंगे, इंद्रमद मद हो जाएगा उसको, और असाध्य व्याधि कहलाई गई है। और इंद्रमद रोग को वाग्भट जी ने रक्तमता नाम से लिखा गया है, रक्तमता। और फिर शत दोत घृत अभ्यंग बताया जा रहा है, इसमें जलोका व्रण उपचार में जो जहां पे इंसिजन दिया था वहां पे क्या करना है अपने को, शत धोत घृत अभ्यंग करना है, फिर वहां पे पीचू धारण करना है उसी का, शत धोत घृत का। और फिर जलोको वर्णान मधुनाम अवघटियेत, और फिर वहां पे क्या करना है, जलोका वर्ण पे शहद से घर्षण करना है वहां पे। और फिर शीत अभिर भिश्चय परिसेचेद, शीत जल से वहां पे परिसेचन करना है, और फिर वहां पे बंधन कर देना है। वर्णम कषाय मधुर स्निग्ध शीतेश्च प्रदेह, ये कषाय मधुर स्निग्ध प्रदेह लगा के वहां पे वर्ण बंधन कर देना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, वर जो जलोका वर्ण उपचार में क्या करना चाहिए, शद्धोद्घृत अभ्यंग पीछू धारण, और फिर मधु से अवघर्षण, और फिर शीत से परिसेचन, और फिर कषाय मधुर स्निग्ध से परिधेय लगा के वहां पे बंधन कर देना चाहिए। और ये इंद्र मदो व्याधि बताई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट था, और ये हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर आपको विजुअलाइजेशन और करना है तो हमारे चैनल पे एक और वीडियो बनाई गई है जलोका के लिए, वो आप पंचकर्मा सेक्शन में जाके जलोका विधि कैसे की जाती है वो बिल्कुल डिटेल में आप लाइव देख सकते हैं वहां पे जाके, और जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो आज की जो है क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।